ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर कोरोना की वजह से आपकी बैंड नहीं बजी हो तो भाई मैं ऑलरेडी तो आपसे बहुत जलस फील कर रहा हूँ। अगर आपकी बैंड बजी हो, अजय भाई जप्पी पाल ले प्लीज़। तो भाई कोरोना के टाइम में जब ये 4 महीने पहले शुरू हुआ तब अपनी हालत ऐसी हो गई कि मतलब ना हम घर का रहे ना घाट का रहे। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का सिलसिला। लॉकडाउन 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 और आधी दुनिया हो गई पागल। अब भाई इस टाइम पे हमारी कंपनियों ने ये किया कि चलो भाई इनको वर्क फ्रॉम होम दे दो। वर्क फ्रॉम होम दे तो दिया लेकिन अलग ही उसमें भसड़ है भाई। तो फिर हम लोगों ने सोचा, मतलब अब बोर हो रहे थे काफ़ी दिनों तक बोर हो रहे, काम किए कब तक काम करते रहेंगे, घर पे बैठे हुए थे, तो इसलिए सोचे कि भाई क्या करें, चलो भाई यूट्यूब शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग को लगा कि शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग। चल झूठा, क्योंकि हम लोग जितना YouTube में देख रहे थे ये कर रहे थे, एंड बाय गॉड जो भाई ज़िंदगी चेंज हुई उसके बाद, भाई भिखारी बना दिया है मुझे YouTube ने। भाई सब्सक्राइबर्स के लिए रो रहा हूँ मैं, मतलब भीख मांगना पड़ रहा है। फेसबुक में उन बंदों के साथ बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने 20 साल से बात नहीं करा है। अब छोड़ो भाई, जो भी है चल रहा है, शुरू तो कर दिया है, अब भगवान भरोसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। होपफुली अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे आगे और अच्छा करेंगे। ओके, इन द मीन वाइल हम लोगों ने सोचा कि चलो यार एक कैमरा ले लेते हैं। ओके, पहले सोचा कि DSLR ले लेते हैं, कैनन या फिर निकॉन का। फिर जैसे ही अमेजोन खोल के उसका रेट देखा तो भाई अपनी औकात पता चल गई। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। बोला नहीं भाई अभी रहने देते हैं, थोड़ा कम से शुरू करते हैं। फिर सोचे कि चलो यार एक्शन कैमरा ही ले लेते हैं। अब एक्शन कैमरा में पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आता है वो है GoPro। अब GoPro का जब रेट देखा तो 18-19-20 हज़ार, तब सोचे कि यार इतना इन्वेस्टमेंट क्या सही रहेगा फ़िलहाल के लिए, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार थोड़ा और कम से लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। काफ़ी सारे चाइनीज़ ब्रांड हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि शायद 10 हज़ार के रेंज या फिर उससे नीचे के रेंज में देते हैं। एक बार सर्च कर लेने में क्या हर्ज है। तो हमने सर्च किए तो भाई एक नज़र में आया कि हम लोग का एक फिट स्पार्क करके amazon.com में अगर आप जाओगे, फिट स्पार्क का एक्शन कैमरा देख लेना, उसका एक i3 मॉडल है जो कि 3,500 रुपये के आसपास आ जाती है। हमने सोचा क्यों नहीं भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है भाई, जब हमने इसका देखा कि बॉर्न इन इंडिया वाला लोगो, भाई देखते ही ना दिल खुश हो गया। गार्डन हो गया। हमारे मोदी जी जो बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर, भाई मज़ा आ गया। मतलब कोई अपना बंदा मतलब कर रहा है काम कि बॉर्न इन इंडिया वाला चीज़ है, कुछ अपना इंडियन है, पुणे की शायद कंपनी है। तो इसका थोड़ा रिव्यूज़ जब हम लोग नेट पे देखने लगे तो कुछ मिला ही नहीं, तो सोचे कि शायद नया होगा, किसी ने किया नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको ऑर्डर करते हैं, इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी कर लेंगे, लगे हाथ इसका एक वीडियो भी बन जाएगा शायद। What an idea, सर जी। तो भाई हमने ऑर्डर किया फिट स्पार्क। अब उसका जो i3 4K 3 FPS वाला जो मॉडल है वो वाला। अब हमको तो इतना आइडिया था नहीं, जब आया तब भाई मिला धोखा, सिर्फ और सिर्फ धोखा। सबसे पहले तो आया उसका भाई जो कवर पेज पे ही ना, मतलब जैसे ही उसका डब्बा हमने पलटा उस पर लिखा था बॉर्न इन इंडिया मेड इन चाइना।
भाई ये कौन सा सौतेला वाला व्यवहार है, मतलब बनाते तो पूरा बना ही लेते भाई, बॉर्न इन इंडिया मतलब मेड इन चाइना। चलो यार फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, है तो फिर भी अपना इंडियन ही है, चलो देख लेते हैं। खोला डब्बे में निकला भाई बहुत सारा चीज़, मतलब इतने सारे माउंट्स और ये वो सारे हज़ार चीज़ें निकले उसके अंदर से, तो देख के तो बड़ा दिल खुश हो गया। चलो चलो यार कुछ तो दिया है, इतना सारा चीज़ें, इतने सारे चीज़ें मिलते हैं इसके साथ। उसका शायद बाइक माउंट भी दिया था, उसका हेलमेट माउंट भी दिया था और काफ़ी सारे एक्सेसरीज थे उसके अंदर। लेकिन फिर जैसे ही उसको थोड़ा बहुत हम लोग उस पर उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ छेड़ने लगे, तो भाई पता चला कि यार उसका तो ओके बटन काम ही नहीं कर रहा। तो भाई चाइना का माल जो पहले था वो अभी भी है, ठीक है, तो देख के संभाल के ख़रीदा करो यार। तो हमने इसको किया रिटर्न। जब हमने यूट्यूब शुरू किया तब हमारे पास ये दो कैमरे थे, मतलब कैमरे क्या फ़ोन थे हमारे, ये हमारे पास फ़ोन थे, एक मेरा नोकिया वाला जिसका फ्रंट कैमरा टूटा हुआ है और मेरी वाइफ का जो है वो रेडमी वाला। भाई इसके ऊपर हमने कैमरा से शुरू किया है, अब पता नहीं देखते हैं ये जर्नी हम लोग को कहाँ के कहाँ तक लेके जाती है, होपफुली अच्छा लेके जाएगी आगे। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द बोर्ड इंजीनियर्स।